फलसफे की तरफ बढ़े, जाएं जी जाएं, कुछ फलसफे की तरफ, कुछ फलसफे की बात करते हैं, कुछ फिलोसोफर्स की बात करते हैं। आइए देखते हैं जनाब क्यू सेवन क्या है। अजीम फिलोसोफर, अजीम फिलोसोफर अरस्तु का ताल्लुक किस मुल्क से था, रोम, यूनान या साइप्रस? क्या हुआ? नथिंग, मैं वो फिलोसोफर में अटक गया था। हाँ, मैं लग रहा सी और अगर मैं तुम्हारी ना हेल्प करी तो मैं फंसे रहना था। और तुम मेरे साथ अक्सर ये करते हो कि कमरे में बैठा होगा और देख रहा होगा कि मैं किसी वर्ड पे अड़ रही हूँ और हंस रहा होगा, भाई बोल दे तू बैठा हुआ है वहाँ पे, सबको पता है। अच्छा, मैं पहले यू आर द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द शो, सबको पता है कि तुम मेरी ऊपर चील की तरह नजर रखे बैठे हो। मैंने कह दिया कि मैं कभी कभी होता हूँ, कभी नहीं होता, ये मुझे गायबाना, कभी कभार तुम नहीं होते, मेरे को इल्जाम लगाती सारे गायबाना होते हैं। इस हफ्ते में मनहूसों की तरह एक दिन तुम नहीं थे, कुछ दो दिन की ब्रेक ही दे देते। अरस्तु, बाय द वे, अरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं, वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे और पॉलीमैथ थे। आप स्टूडेंट थे एक और बहुत बड़े फिलोसोफर के जिनका नाम था प्लेटो। ठीक है, इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स, पोइट्री, थिएटर, म्यूजिक, रेट्रिक, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और गवर्नमेंट। आप पैदा हुए थे ग्रीस में 384 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, राइट? तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब तो आपको मिल ही गया है हमारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। यूनान यानी कि ग्रीस में बैठे थे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3409 लोगों ने सही ऑप्शन खेला है।